नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे जिस जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा वो मध्य प्रदेश से आया हुआ है और एक कोऑपरेटिव बैंक का जॉब है। तो टोटली जो जॉब है वो बैंक का जॉब आप बोल सकते हैं, और वो भी कोऑपरेटिव बैंक का जॉब है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर एमपी से कोई जॉब आया तो मुझे जरूर एक वीडियो बना के देना। तो उसी के लिए इस जॉब आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ डेली बेसिस बहुत सारे जॉब के इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इस ये जो जॉब है वो टोटली 2254 पोस्ट है। और इस जॉब के लिए आपको क्लार्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, तो इस तरीके से पोस्ट दिया गया है। तो कौन सा पोस्ट है चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो जॉब है मध्य प्रदेश से जो टोटली जॉब आया है कोऑपरेटिव बैंक का जो जॉब है वो 2254 का पोस्ट है, और वो भी देखिए क्लार्क का पोस्ट है। और चलो मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। हाँ, 2254 पोस्ट है और ऑल ओवर इंडिया में ही आपको जॉब मिलेगा, सॉरी ऑल ओवर मध्य प्रदेश में ही आपको जॉब मिलेगा। और ये जो जॉब है वो देखा जाए तो क्लार्क कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है। क्लार्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुल मिलाकर 896 वैकेंसीज, और सोसाइटी मैनेजर के लिए 1358 वैकेंसीज दिया गया है। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए 18,000 से 15,000 सॉरी 18 से 35 आपका एज लिमिट होना चाहिए। ओबीसी के लिए आपको 18 से 38 ईयर्स तक होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 18 से 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट होना चाहिए। तो सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो देखिए एज पर द मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो पहले आपको सिलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कौन सा पोस्ट में कितना सैलरी मिलेगा। रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों टेस्ट के माध्यम से आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो फीस है, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप के लिए 250 रुपीज आपको देना पड़ेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना चाहिए, और वो भी कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट कर चुके हैं आपका ग्रेजुएशन, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप आईआईटी सॉरी आईटीआई पास आउट कर चुके हैं, डिप्लोमा पास आउट कर चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो 25 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई किस तरीके से करेंगे उसका स्टेप में एक एक करके यहाँ पे बता चुका हूँ। तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा, पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना, दोनों अलग अलग लिंक आएगा। तो इस लिंक कहाँ पे मिलेगा, इस जॉब वीडियो के नीचे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो इस पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जो नोटिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो फीस है 500 रुपीज और 250 रुपीज आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पूरा जॉब का जो डिटेल्स है, क्लार्क कम कंप्यूटर के लिए आपको कितना वैकेंसीज है, और उस वैकेंसीज में कौन सा पोस्ट के लिए कितना है, सॉरी कौन सा कैटेगरीज में कितना है, जनरल के लिए कितना, एससी एसटी के लिए कितना, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है इस एग्जामिनेशन के बाद आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिलेगा, कौन सा एरिया में आपको जॉब मिलेगा, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करना। तो जब अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद पहले आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद अपलोड, उसके बाद पेमेंट। ये 6 स्टेप आपको फिलअप करना होगा, तभी आपको फाइनल फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।